कल मेरे क्लाइंट को बहुत बुरा लगा जब उनकी एक हफ्ते की मेहनत जो है उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने मुझे बताया कि वो डाइट भी फॉलो कर रहे हैं और वो वर्कआउट भी बिल्कुल रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका वेट कम नहीं हुआ। थोड़ा डिस्कशन करने पे पता चला कि लास्ट वीक में उनकी स्लीप डिस्टर्बेंस रही है, उनके वर्कलोड की वजह से वो अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाए हैं। 2 से 2:30 बजे वो सो रहे थे और सुबह 6 बजे उठ के वो वर्कआउट कर रहे थे। तो अभी नींद का कनेक्शन उनको समझाया गया कि नींद का क्या रोल है आपकी वेट लॉस जर्नी में। जब भी आप डीप स्लीप में होते हो आपकी बॉडी हीलिंग मोड पे जाती है, आपकी बॉडी फ्री रेडिकल्स की स्क्वेंजिंग करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है। लेकिन अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हो तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, ऊपर से आप वर्कआउट भी कर लेते हो, उतना ही इंटेंस वर्कआउट करते हो, तो उससे इन्फ्लेमेशन और एड ऑन हो जाती है, जिस वजह से हो सकता है कि आपको डिजायर्ड वेट लॉस के रिजल्ट्स ना मिले। तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या होगा? देखो, 1 या 2 दिन नींद डिस्टर्ब हुई है तो चलेगा, लेकिन एवरीडे अगर हो रहा है तो सबसे पहले अपने स्लीप साइकिल पे वर्क करना होगा। अगर किसी दिन ऐसा होता है कि किसी एक दिन आप लेट नाइट तक जाग रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, तो उसके नेक्स्ट मॉर्निंग कोशिश कीजिए या तो वर्कआउट स्किप करके नींद पूरी कर लो, या फिर वर्कआउट की फॉर्म को चेंज करके एक लाइटर वर्जन ऑफ वर्कआउट आप कर सकते हो, सो दैट आपकी बॉडी में जो स्लीप डिप्राइवेशन से इन्फ्लेमेशन हुई है वो और ज्यादा वर्कआउट से ना बढ़े। सो ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी एंड एक्ट अकॉर्डिंगली।